नमस्कार, मैं राजीव सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दिल्ली एनसीआर में एंटी करप्शन यूनिट का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके का है, जहां पर एक हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट में रहने वाले रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरन सिंह मेहरा की गिरफ्तारी की गई है। उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज था और लंबे समय से ही गिरफ्तारी रुकी हुई थी। हालांकि इसके कारण साफ नहीं हो पाए हैं कि यह लंबे समय से गिरफ्तारी क्यों रुकी हुई थी, लेकिन एंटी करप्शन मेरठ इकाई ने आज आकर इंदिरापुरम से ही पूर्ण सिंह मेहरा को गिरफ्तार कर लिया है। सर, एक ईडी ने आकर एक रिटायर्ड दरोगा को गिरफ्तार किया है आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में, इंदिरापुरम थाने का मामला क्या है पूरा मामला? ये वर्ष 2011 में इंदिरापुरम थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसके द्वारा की जा रही थी। उसी के क्रम में आज इनकी गिरफ्तारी हुई है और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का ये केस था जो कि दर्ज कराया गया था, उसी के क्रम में गिरफ्तारी हुई है। इनको न्यायिक अभिरक्षा में ACB की टीम द्वारा ले जाया जा रहा है, मेरठ कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। पेश है गाजियाबाद से सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट।